नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। टूट गया अहंकार और खिल गया कमल, खत्म हुआ गुंडा राज और शुरू हुआ राम राज। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पालघर नाला सुपारा बसे विरार में अब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है और 35 साल की सत्ता का सूपड़ा साफ हो चुका है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज बारोट जी उपस्थित हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो जीत का परचम बसे विरार में रह रहा है, इस पर इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे, एक तरीके से पूरे तरीके से सूपड़ा साफ हो चुका है बसे विरार में, अब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, ये जो है जनता का आमदार रहेगा। ये किसी परिवार का या उसका किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का विधायक नहीं है। ये यहाँ की जो वसे 132 नाला सोपारा विधानसभा अंतर्गत आने वाली 10 लाख से ज़्यादा जनता का ये आमदार है। ये हमारा ऑफिस का कार्यालय का जो है ना, उसको कभी ताला नहीं लगता है। जब जनता चाहे यहाँ पे आ सकती है, यहाँ किसी की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि आज राजन नायक को लोगों ने इतनी अच्छी, आप देख रहे हो यहाँ पे सुबह से हमको अब आज सर्टिफिकेट लेने को जाना है लेकिन हमें जाने को मौका नहीं मिल रहा है। ये दिखाता है कि एक कार्यकर्ता क्या होता है और विकास का काम करने वाला उन्हें जनता ने उम्मीदवार चुना है। जिस तरीके से जनता ने परंपरा को छोड़कर परिवर्तन को चुना है, तो क्या जनता को वसे विरार में परिवर्तन देखने मिलेगा? बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसके लिए आपको 5 साल का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने शायद आपको ही 8 दिन पहले एक आपके ही माध्यम से मैंने बोला था, क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य यह होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी, यानी 35 साल में जनता को सिर्फ और सिर्फ रेलवे पर निर्भर रह के मरने के लिए मजबूर किया था इन्होंने, सत्ताधारियों ने। लेकिन हम आने वाले साल भर के अंदर इतनी कनेक्टिविटी देंगे ना, क्योंकि आप देखिए बेचारे आज भी संतोष भुवन बिलाल पाड़ा जैसे क्षेत्र में रहने वाले लोग, उन्हें यहाँ से परिवर्तन की सेवा तक ये नहीं दे पाए। और ये जो मूलभूत जो पहली जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के बेस पे आपको आने वाले 10 दिन में, जिस दिन आमदार हमारे राजन नाइक जिस दिन वहाँ विधानसभा में जाके शपथ लेके आमदार की, उसके दूसरे दिन से आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और क्या कहना चाहेंगे, जो जितने भी वादे हैं, क्या ये पूरे होने में 5 साल लग जाएंगे? क्योंकि देखिए 35 साल से जो विकास कार्य हुआ, उनका ये कहना था कि हमने विकास कार्य किया, लेकिन पानी की जो समस्याएं हैं, साथ ही साथ सड़क अच्छी नहीं, मतलब वसे विरार की स्थिति परिस्थिति दोनों खराब है, तो उसमें कितना बदलाव देखने मिलेगा आपके मैनिफेस्टो के अलावा? मैं आपको क्या बोलता हूँ, 35 साल में उन्होंने जो विकास किया है, वो विकास सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उन्हें अपनी दिखाकर उन्होंने विकास किया है। आपने उनका मैनिफेस्टो देखो ना, उन्होंने जनता को क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या आपने? उसमें लिखा है हमने वैक्सीन मुक्त दिया। अरे पूरी दुनिया जानती है कि देश को वैक्सीन मोदी जी ने दिया है। ये पानी आया, उधर भी उन्होंने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि 500 करोड़ अमृत, तो फिर आप कहाँ से लाए भाई? तो आपने जो किया वो जनता को, अगर आपने सही में किया होता तो छाती ठोक के आप बोल सकते थे कि हमने आपके लिए ये काम किया, इसीलिए हम आमदार में खड़े हो, आपसे मत की अपेक्षा करते हैं। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, तब जाके आज हमें तीनों विधानसभा में, मतलब एक इतिहास हमने आज हमारे कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने एक प्रकार से वसई तालुका के अंदर इतिहास रचा है। अच्छा, अंतिम सवाल, मतलब सत्ता पक्ष का जो ये लगातार ये कहना था कि विवांता में जो कैश कांड हुआ भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो कहीं ना कहीं विवांता में जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का अंत कहलाएगा, इस विषय पर आपका क्या कहना है? विवांता में हुआ जो है वो अंत भाजपा का नहीं, आपका हुआ है, क्योंकि आपने हमारे तावड़े साहब जैसे व्यक्ति पर कलंक लगाया था वहां पे हमारी महिला शक्ति पर आपने अत्याचार किया था। आज ये महिला शक्ति जो है ना हमारी, उसका तुम्हें शाप लगाया, ये तुम्हारा अंत का कारण सिर्फ हमारी महिलाओं पे तुमने हाथ उठाया ना, ये उसका एक प्रकार से शाप है। आपने वहां पे ये बोला कि हमें भाजपा के एक नेता ने हमें फोन करके बोला है कि तावड़े जी का आए है, और बड़े बड़े मीडिया ने अखबारों में छापा कि तावड़े जी क्या गेम किया देवेंद्र जी ने। अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आया, तावड़े जी 4 घंटा आए, तुम्हारी गेम करके चले गए। अच्छा, अब अंतिम सवाल, एक और बात ये बताइए कि अब वसे विरार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से हम पर विश्वास जताया, हमारे विधायकों पर विश्वास जताया है, आपका विश्वास कतई नहीं टूटेगा, ये मैं आपको गवाही देता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना दोस्तों कि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब ये जो परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं वसे विरार नाला सुपारा की जनता के लिए लाभदायक साबित होगा। अब देखना यही होगा कि आने वाले 5 सालों में वसे विरार का विकास किस तरीके से होता है, या फिर इसी तरीके से जिस तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा विकास किया गया था, जनता भी परिवर्तन लाने के बाद भी दर दर भटकती नजर आती है। बहरहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।